हेलो एवरीवन वेलकम टू कौन स्टडी तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमने जेके एस एस बी अकाउंट असिस्टेंट के लेक्चर शुरू कर दिए हैं आज उसकी पहली क्लास है ये जनरल साइंस के ऊपर बेस्ड है और इसमें केमिस्ट्री कवर करवाई जाएगी बाय महनाज मैम आई होप आपने जितना हमें प्यार दिया है और इज्जत दी है उतनी ही इनफैक्ट उससे भी बढ़कर आप महनाज मैम को देंगे तो अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो महनाज मैम की होगी हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौन स्टडी I am महनाज Bashir and we are going to start our chemistry part from now onwards. So before starting, I wanted to discuss some very important points with you regarding our lectures. जो ये है कि हमारे पहले जो एक से दो लेक्चर्स होंगे उसमें हम खाली बेसिक्स हमारे सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे बिकॉज वी आर नॉट पर्टिकुलरली टीचिंग फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हियर तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको बेसिक्स का पता होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जो पहली बार स्टार्ट कर रहे होंगे ओके okay?

तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे डेफिनेशन के साथ जो है केमिस्ट्री व्हाट्स केमिस्ट्री ऑल अबाउट ओके तो केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इट्स दैट साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर और इट्स दैट ब्रांच ऑफ़ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज विद फिजिकल और केमिकल सो फर्स्टली वील अंडरस्टैंड अबाउट द मैटर ये मैटर असल में होता क्या है सो मैटर इज एनी थिंग और एवरी थिंग दैट सराउंड यू और मैटर इज़ एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मैटर वो हर कोई चीज़ है जो आपको सराउंड करती है जिसका एक प्रॉपर मास होता है और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और यू कैन से वेन एग्रीगेट एटम्स कम्बाइन दे गिव राइज टू द एंटिटी विच कॉल्ड मैटर तो जब बहुत सारे एटम्स और मोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो तभी मैटर एग्जिस्टेंस में आता है ठीक है तो यहाँ पे एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो ये है रिगार्डिंग अवर डेफिनेशंस तो जो डेफिनेशन पार्ट होता है तो वो विद टाइम चेंज होता है वो क्यों चेंज होता है क्योंकि जो हमारा डेफिनेशन होता है उसमें विद टाइम चेंज इसलिए आती है बिकॉज ऑफ न्यू डिस्कवरीज़ एंड थियोरीज़ दैट गेट एडिड रिमूव्ड और अल्टर्ड विद टाइम क्या होता है जो हमारे डेफिनेशन जो होती है उसमें विद टाइम क्या अगर कोई नई थियोरी पास होती है या कोई नई डिस्कवरी पास होती है तो उसकी वजह से हमारी जो डेफिनेशन होती है वो अपडेट होती है क्या होती है अपडेट तो इसकी वजह से हमारा जो ये दे, पुरानी डेफिनेशन होती है वो डिस्कार्ड होती है ओके okay? तो ये है हमारे डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द चेंज सो वील स्टार्ट विद द फिज़िकल चेंज ये फिजिकल चेंज होता क्या है सो फिज़िकल चेंज इज़ दैट चेंज इन विच द फॉर्म ऑफ मैटर इज़ अल्टर्ड और इन विच द सबस्टेंस इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अनदर तो मैं आपको समझाऊंगी जो हमारी फ़िज़िकल चेंज होती है मेटर में जो आती है तो उसमें खाली फॉर्म चेंज होता है फॉर्म हियर इम्प्लाइज टू तो आई द साइज और शेप देखो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे आइस की इफ़ यूल टेकन आइस क्यूब तो अगर हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसको क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम आइस टू तो वाटर एंड इफ़ अगेन अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं दैट बैग गेट्स कन्वर्टेड इन टू आइस तो इसमें क्या होता है तो इस प्रोसेस में जो है वाटर का स्टेट चेंज होता है स्टेट मीन्स फॉर्म चेंज हो रही है पहले वो सॉलिड होता है फिर लिक्विड होता है फिर उसको हम बैक सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसका जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है कंपोजिशन का मतलब होता है अगर हमारा वाटर जो है इट्स मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन तो अगर वो चाहे सॉलिड स्टेट में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है तो इन बौद्ध स्टेट्स जो वाटर का कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है तो हम और एक पॉइंट यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं फिजिकल चेंज में ये वो चेंज है जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो मैटर की होती है वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहती है एंड वी कैन से दीज चेंज आर रिवर्सिबल रिवर्सिबल हेयर मीन्स ये इंटरकन्वर्टेबल होती है लाइक वी कैन चेंज सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड बैग ओके बाई चेंजिंग द कंडीशंस नाउ वील डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट विच इज केमिकल चेंज वट इज केमिकल चेंज केमिकल चेंज इज़ दैट चेंज इन विच रे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोट सबस्टांसिज एंड अ चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कम्पोजिशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सबस्टांस तो क्या होता है इसमें जो केमिकल प्रोसेस होता है ना हमने फिजिकल में क्या देखा वहाँ पर खाली फॉर्म चेंज होता है और जो हमारी केमिकल चेंज होती है इसमें टोटल कम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है कैसे चेंज हो जा ये हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे जो हर कोई एवरीडे लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करता है वील टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन तो क्या होता है हमारे इस प्रोसेस में जो हमारा आयरन होता है वेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इट फॉर्म्स रस्ट तो क्या होता है जो हमारा आयरन hmm, होता है जब इसको ऑक्सीजन और इनके कॉन्टैक्ट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर आता है तो ये रस्ट बना लेता है और जो हमारा रस्ट होता है ना इसकी प्रॉपर्टी टोटली totally डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड द आयरन ओके तो हमने केमिकल चेंज से क्या सीखा जो हमारी केमिकल चेंज होती है इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है और जो होता है ये यूजुअली इरिवर्सिबल होती है इरिवर्सिबल मींस ये इंटकनवर्टेबल नहीं होती नाउ वील अंडरस्टैंड अबाउट द एटम्स जो हमें अभी तक एटम्स मोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे सो वॉट आर दीज ऐटम्स एटम्स को सिम्पल टर्म्स में समझने के लिए मैं आपको ले जाऊँगी थोड़ा एंशंट ग्रीस पीरियड में विच इस अराउंड फोर हंड्रेड बी सी सो देर वॉज अ प परसन हूज नेम व डेमोक्रेट्स तो डेमोक्रेट्स ने क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक करोगे तो उस चीज़ में एक पॉइंट आएगा बियॉन्ड विच यू कैन नॉट ब्रेक दैट मैटर फर्दर एंड ही कॉल्ड दोज माइन्यूट पार्टिकल्स दोज टाइनी पार्टिकल्स ही कॉल्ड देम एटमोस तो उस एटमॉस का मतलब होता है अनब्रेकेबल और अनकटेबल लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी हाइपोथेसिस पे किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ओके सो वील सी इन आवर केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी हम इनको क्या इन एटम्स को क्या कहते हैं तो हम केमिस्ट्री में इन एटम्स को कंसिडर करते हैं एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री जो कि के है भी बिकॉज uh, अगर हम देखेंगे हमारी जो केमिस्ट्री है इट रिवॉल्व्स अराउंड द एटम्स ओनली इफ वी विल सी तो इसको हम क्या कहते हैं इट्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर जैसे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हम कंसिडर करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल लाइक वाइज इन वो केमिस्ट्री वी हैव फंडामेंटल बिल्डिंग ऑफ मैटर विच इज कंसिडर्ड एज एटम तो अब हम देखेंगे एटम्स एक्चुअली होते क्या है दीज आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड यू ऑलमस्ट बी नोइंग कि ये हमारे से हम इसको नहीं देख पा सो दीज एटम्स आर नॉट विजिबल विदअर नेकेड आइज़ और इनको देखने के लिए हमारे एक आ, पास जो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रनलिंग माइक्रोस्कोप उसकी उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर वैसे होता कैसे अब हम देखेंगे जो हमारा एटम होता है जो एक माइन्यूट पार्टिकल होता है इट्स इट्स सेल्फ अप ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल्स जो इसके अंदर और uh, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम सब अटोमिक पार्टिकल्स बोलते हैं ठीक है थीके? सो दीज सब अटोमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो हमारा प्रोटोन होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज एंड वन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रॉन इट डजेंट हैव गॉट एनी चार्ज एट ऑल ओके और हमारे जो एटम में हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मोलिक्यूल वट दीज मोलीस आर जो हम अभी तक आइटम्स uh, के बारे में बोल रहे थे लाइक वाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोलिक्यूल्स जो हमारे मोलिक्यूल होते हैं तो ये बने होते हैं विद द एग्रीगेट ऑफ आइटम्स जब दो या दो से ज्यादा आइटम्स कम्बाइंड हो जाते हैं तो वो बनाते हैं मोलिक्यूल तो इनको हम सिंपली क्या कहते हैं दीज आर एक्चुअली द ग्रुप ऑफ आइटम्स स्टक टूगेदर बाई केमिकल बॉन्ड्स एंड इट कैन भी एज स्मॉल एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड एज लार्ज एज अवर प्रोटीन मॉलीक्यूल जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसमें दो हाइड्रोजन के आइटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बना देता है अब जो है न, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये स्टक टुगेदर होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड क्या जो आ, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है उसको हम समझेंगे उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जो ये बॉन्ड होता है इसको सिंपली हम बोलते हैं ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम्स को जुड़े रख रह, रखता है एक मॉलिक्यूल में ठीक है तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज़ फॉर योर नॉलेज ओनली तो ये आपको याद रहेगा तो अच्छी बात होगी सो so, हम देखते हैं वट्स मोलिकुलर वाइब्रेशंस मोलिकुलर वाइब्रेशंस हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो आपको पता चलेगा जो हमारे सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज में जो होती है वहाँ पर एक मोलिकुलर वाइब्रेशन होती है ठीक है जो कि हमारे सॉलिड में मिनिमम है हमारे लिक्विड में मॉडरेट है और हमारे गैसेज में मैगजिमम है so uh, the molecular vibrations are actually the attractive and repulsive forces inside a molecule ठीक है जो uh, हमारे molecules में ये uh, forces कैसे originate होते हैं वो मैं आपको समझाऊँगी वो जो basically हमारे जो atoms होते हैं उनके अंदर जो हमारा nucleus होता है ना वो होता है positively charged तो जब दो एटम्स एक मॉलिक्यूल बनाते हैं दो से ज़्यादा तो उनके अंदर का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं बट जो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से वो बॉन्ड होता है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल करता है इस बॉन्ड को वापस जो जुड़े रखता है इस मॉलिक्यूल को अब क्या आपको यहाँ पे याद रखना है जब हम कहीं पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और जो भी वो पढ़ते हैं उसके लिए आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है जो ये है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल को जो ऑलरेडी वाइब्रेटिंग मोड पे होता है अगर हम उसको एडिशनल हीट ऐड करते हैं ना अगर हम उसको एक एडिशनल हीट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट लाइट लाइट और हीट क्या होती है ये तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना तो क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है ना इनसाइड द मॉलिक्यूल वो इंक्रीज़ हो जाती है व्हाट्स फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नंबर होता है ठीक है तो हम इसको इस चीज़ ऐसे समझेंगे अगर हमारा मॉलिक्यूल पहले टू टाइम्स पर सेकेंड वाइब्रेट कर रहा होता है तो आफ्टर अप्लाइंग द एनर्जी उसका नंबर जो इंक्रीज़ हो जाता है तो अल्टीमेटली वट हैपन्स जो आ, क्या है कि आ, जो बॉन्ड होता है उनके बीच वो ब्रेक हो जाता है नो हियर वी विल अंडरस्टैंड द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ एन एटम ठीक है तो जो हम एटम अभी पढ़ रहे थे हम देखेंगे कि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कैसे होता है ये फिगर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये बस आपको समझाने के लिए है अदरवाइज जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है तो वो आप एक बहुत ही मैग हाइली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देख पाते हो तो वो आप गूगल करके आप वो देख सकते हो विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम द हैपोथेटिकल स्ट्रक्चर ओके okay. तो जो आप बीच में ये ऑरेंज और ग्रेइश पार्टिकल्स देख रहे हो ये होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिसमें प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल Then we have the circular rings around our nucleus, which are actually called द एनर्जी शेल्स और ये energy shells क्या होती है इनमें ही basically जो हमारे electrons होते हैं ना वो distribute होते हैं आपको पहले ये समझना होता हो समझना बहुत ज़रूरी है जो ये है कि जो हमारा central portion होता है ना nucleus, ये बहुत ही छोटा होता है आप खुद ही समझो जो हमारा atom है जो जिसको हम देख नहीं पाते तो उसके सब अटोमिक पार्टिकल्स कितने माइन्यूट होंगे ठीक है तो आप ये समझो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सेंट्रल जो हमारे एटम का सेंट्रल पोर्शन होता है वो ऑक्यूपाई करता है और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते अराउंड द न्यूक्लियस ओके दिस इज़ वेरी सिंपल और इसके आगे आप गूगल uh, करके इसके और भी मैग्नीफाइड uh, स्ट्रक्चर्स देख सकते हो समझने के लिए जो कि बहुत अच्छी बात होगी अगर आप देखेंगे सो वॉट आर दीज एटम्स एक्चुअली एटम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम डिटरमाइंस द टाइप ऑफ एटम इट इज़ ये इसका क्या मतलब होता है देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो हमने एलिमेंट्स प्लेस किए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू देअर एटोमिक नंबर होता है वो कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा हाइड्रोजन अटोमिक नंबर वन है उसका क्योंकि उसके अंदर जो होता है प्रोटॉन वो नंबर एक होता है उसमें ठीक है तो हमारे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वन है हमारे हीलियम में टू है लाइक वाइज वी है लिथियम बेरिलियम तो इनको सीरियल जो इनका जो नंबर होता है ना वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और जो हमारे ऐटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ठीक है आई होप आपको इतना समझ आया होगा तो हमारे अगले लेक्चर में वील डिस्कस अबाउट सम अदर टॉपिक और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मैंशन करें तो बिफोर स्टार्टिंग द अनदर लेक्चर मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्योरीज आपकी सारी कन्फ्यूजन्स उनको मैं दूर करूँ बाकी थैंक यू सो मच